बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसको मैंने यूज किया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसी वक्त व्हाइट दिखने शुरू हो गया और मेरे चेहरे के ऊपर बहुत खूबसूरत एक ग्लो भी आया। तारीफ जा रहे हैं या फिर ईद का दिन है या फिर वैसे भी ईद के बगैर आप इस अगर रेमेडी को यूज कर लेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है बेसन, दही, दही के साथ आप इसकी पेस्ट बना लें या दूध के साथ बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैंने इसको जब एक दफ़ा यूज़ किया तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आपने इसको रोजाना यूज़ नहीं करना, वीक में वन टाइम यूज़ कर लें या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके अंदर डालना है बेबी ऑयल। बेबी ऑयल जो है ना वो स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, ठीक है। तो ज़्यादा सा हमने बेबी ऑयल को डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आप इसको बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी, बेसन, दही और बेबी ऑयल। इसे भी आपने अपनी स्किन को मसाज करना है और फिर इसके कमाल देखने हैं आपकी स्किन। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी, ठीक है। अच्छा, आप ना इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे हाथ के ऊपर ले लें, थोड़ा सा फेस वॉश को डालें या फिर वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लेना है और मसाज करना है। बेबी ऑयल जो है आपकी स्किन के ऊपर जब लगेगा ना तो आपकी स्किन उसी को ग्लोइंग हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इस तरीके से करना है। बेबी ऑयल डालना है, फिर थोड़ा सा दही डालना है। ये जो छोटे छोटे आपको टोटके बताती हूँ ना, इनको अक्सर मेरी प्यारी बहनें कहती हैं कि आप भी इतने ज़्यादा टोटके बताती हैं तो हम कौन सा यूज़ करें। जितने भी छोटे छोटे टोटके बता रही होती हैं आप इन सबको यूज़ कर लिया करें एक एक बार, और जो भी आपको ज़्यादा सूट करे फिर आप उसको मतवातर यूज़ करते रहा करें। इसको ना लगाने के बाद आपने ना इसको तकरीबन छोड़ देना 20 से 25 मिनट के लिए, और ये आपकी स्किन के ऊपर ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। ऑयल है तो ये ड्राई नहीं होगा इतना। तो 20 से 25 मिनट बाद आपने अपने हाथों को मुँह को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है, ठीक है। तो आपने इसके साथ मसाज करना है। एक दूसरा तरीका ये है कि इसको अपने हाथ के ऊपर लें और इस तरीके से मल के अपने चेहरे के ऊपर मलें, चेहरे के ऊपर मल के फिर फेस वॉश डालें, और फेस वॉश डालने के बाद फिर अपने चेहरे को मलें, फिर अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। यानी कि आप इसको एज आ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं और अपने चेहरे के ऊपर भी इसको एज आ मसाज क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।